भाई आपको पूरे बायटी स्टूडियो की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस सिर्फ एक ऑप्शन को समझ जाते हैं तो आपको व्यूज के लिए कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। आप अपने चैनल के हर एक चीज को खुद से चेक कर सकते हैं। वीडियो बनाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके चैनल पे कौन सा वीडियो चलेगा, कौन सा वीडियो नहीं चलेगा, कौन सा वीडियो वायरल होगा, कौन सा वीडियो वायरल नहीं होगा, आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। वीडियो अपलोड करने से पहले, वीडियो बनाने से पहले ही आप उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करके हर एक चीज को देख सकते हैं। आपको अपना चैनल ग्रो करने के लिए किसी दूसरे यूट्यूबर का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे यूट्यूबर को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल का खुद मास्टर बन सकते हैं, खुद इंजीनियर बन सकते हैं। और यह गणित आज मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करना है और नीचे आपको एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक नंबर पर आप देखेंगे तो रिसर्च का एक ऑप्शन है और वाईटी स्टूडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यही है। अगर आप रिसर्च के इस ऑप्शन को सीख जाते हैं तो आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च इतना आपका गाढ़ा होगा, इतना गहरा होगा कि एक बार रिसर्च करके अगर आप अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आप रिसर्च करेंगे वो 100% करेक्ट और यूट्यूब से सर्टिफाइड होगा, वेरीफाइड होगा। अगर उस वीडियो को आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपका वीडियो वायरल होगा, आपके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। अब लोगों को क्या लगता है कि रिसर्च का जो ये ऑप्शन है बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, लोग बस रिसर्च वाले ऑप्शन में आते हैं और यहां पर जो टॉप सर्च का ऑप्शन होता है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, उनको यहां पर 10-15 टॉपिक दिखाई देता है और उनको लगता है कि बस इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो बनाना है और हमारा वीडियो वायरल होगा। लेकिन रियलिटी क्या है कि यहां पर जो टॉपिक दिया है, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब भी आपका वीडियो वायरल नहीं होगा, तब भी आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आपके चैनल में यहां पर जो टॉपिक दिया रहेगा आप उसके ऊपर वीडियो बनाकर देख लीजिएगा, आपका वीडियो ना वायरल होगा और ना आपके वीडियो पर व्यूज आएगा। जैसे पहले आपके वीडियो पर व्यूज आता था उसी तरह से 10-20 व्यूज आएगा। अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि जैसे कि रिसर्च वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहां पर टॉप सर्च का ऑप्शन होता है। अब यहां पर अलग अलग टॉपिक दिया रहता है कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा चांस है कि आपका वीडियो वायरल होगा। लेकिन यहां पर आपको टॉपिक को सर्च भी करना है, टॉपिक को रिसर्च करके भी देखना है। ऐसा नहीं है कि YouTube ने यहां पर आपको टॉप 10 टॉप सर्च दे दिया और आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको यहां पे रिसर्च करना होगा। अब जैसे कि अगर आप मेरे चैनल में देखेंगे तो यहां पे अलग अलग टॉपिक YouTube ने दे रखा है कि आपके चैनल में जो टॉप सर्च है, जैसे कि नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे तो बेस्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल आइडिया। अब क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वीडियो वायरल होगा कि नहीं वायरल होगा, इसे आपको रिसर्च करके देखना होगा। अब रिसर्च करने के लिए आप इस टॉपिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑडियंस एक्टिविटी का एक ऑप्शन मिलता है और इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको एक ग्राफ मिलेगा, जैसे कि आइडिया के नीचे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ जितना फुल होगा उतना ज्यादा चांस है कि आपके चैनल पे ये वीडियो चलेगा, इस टॉपिक पर वीडियो चलेगा। अब जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट फुल है, मतलब एक पॉइंट नीले कलर का है, बाकी यहां पर ब्लैंक है, बाकी खाली है। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वीडियो नहीं चलेगा, क्योंकि YouTube ने यहां पर खुद से रेकमेंड कर दिया कि आपके पास जो ऑडियंस है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं देखेगा तो आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना है। अब यहां पर जो दूसरा टॉपिक है YouTube स्टूडियो सेटअप इंडिया, अब अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो क्या मेरा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, आपको अंधा होकर इसके ऊपर वीडियो नहीं बना देना है। सबसे पहले आपको इस टॉपिक के ऊपर क्लिक करके आपको रिसर्च करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते जो ऑडियंस का एक्टिविटी है यहां पर थोड़ा सा फुल है, लेकिन थोड़ा ही फुल है, ऐसा नहीं कि पूरा फुल है, आधा से भी कम इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो जहां मेरे वीडियो पे रोजाना 100 व्यूज आता था, लेकिन यहां पर हो सकता है 200 व्यूज आ जाए, 250 व्यूज आ जाए, लेकिन वीडियो वायरल नहीं होगा क्योंकि ऑडियंस का जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो नहीं बनाना है। अब यहां पर एक और आप देखिए यूट्यूब सब्सक्राइबर इंक्रीज ऐप। अब जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें कि मैं लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बताता हूं तो क्या मेरा ये वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं। अब यहां पर अगर आप क्लिक करके यहां पर अगर आप ऑडियंस एक्टिविटी देखेंगे और ग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ग्राफ फुल है, मतलब कि इस टॉपिक को लेकर मेरे ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वो हमारे वीडियो को देखेंगे, उनको वीडियो पसंद आएगा और YouTube भी हमारे वीडियो को आगे रेकमेंड करेगा, आगे बूस्ट करेगा, क्योंकि इसका जो ऑडियंस एक्टिविटी, ऑडियंस लाइकर जो है यहां पर फुल है, ग्राफ फुल है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आपको पता चल गया कि
हाँ इस टॉपिक को लेकर मेरे ऑडियंस इंटरेस्टेड है, तो आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे, आपका वीडियो चल जाएगा। आपको और भी अंदर जाकर रिसर्च करना होगा कि इस टॉपिक से मिलता जुलता और क्या चीज मेरे ऑडियंस ज्यादा पसंद करें, आपको क्या टाइटल डालना है, स्पेसिफिक आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है और आपको किस चीज के बारे में बात करना है। और यहां पर ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है लॉन्ग वीडियो के लिए अच्छा या शॉर्ट वीडियो के लिए अच्छा है, कंटेंट गैप क्या है, ये सारा चीज भी आपको चेक करना है। अब चेक करने के लिए जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं उस टॉपिक के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन का यूज करके आप अपना सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो सर्च ऑन यूट्यूब का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। जैसे कि आपको एक ऊपर से तो टॉपिक मिल गया कि हाँ आपको एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें कि लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने के तरीके के ऊपर बात करना है, लेकिन उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें सर्च किया जा रहा है यहां पर आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। जैसे कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, आपको ये टाइटल डालना है, आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करना है, या फिर हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब, इससे रिलेटेड भी आपको बात करना है, हाउ टू गेन मोर सब्सक्राइबर। और हर टॉपिक के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक वॉल्यूम लिखा है, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम इस तरीके से है। हाई वॉल्यूम मतलब कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, और लो वॉल्यूम मतलब कि लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन कम सर्च कर रहे हैं। और बहुत सारे में आपको मीडियम वॉल्यूम भी मिलेगा, मतलब कि इसका जो सर्च है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, ना ज्यादा सर्च कर रहे हैं ना बहुत कम सर्च कर रहे हैं, मीडियम लोग इससे सर्च कर रहे हैं। तो आपको या तो हाई वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाना है, या फिर आपको मीडियम वैल्यू वाले टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आपको लो वैल्यूम वाले पे वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि जो लो वैल्यू वो कम सर्च हो रहा है। और अगर आप नए चैनल पे ऐसा वीडियो डालेंगे जिसका पहले से सर्च डिमांड कम है तो आपका वीडियो और भी नहीं चलेगा। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो ये टॉपिक डालूंगा, जैसे कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब ये डालेंगे, या फिर हाउ टू गेट सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब फ्री आप ये टॉपिक डालेंगे। अब यहां पर आप अपना एक टाइटल सिलेक्ट करके उसके ऊपर वीडियो बना लीजिए, लेकिन बाकी का जो यहां पर आपका टॉपिक बच रहा है, टाइटल बच रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने पहले टाइटल के ऊपर वीडियो बना लिया कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, इसके ऊपर आपने वीडियो बना लिया, लेकिन बाकी का यहां पर जो आपका टाइटल बच रहा है, टॉपिक बच रहा है, इसे आपको एक एक करके कॉपी करना है और इन सभी को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, क्योंकि ये जो चीज है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है और अगर आप इससे मिलता जुलता वीडियो बना रहे तो ये सारा का सारा कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, और सेम कीवर्ड को आप अपने टैग में भी यूज करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा चांस है कि आपका वीडियो चलेगा। अब यहां पर आपने एक टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी और भी आपको अंदर जाकर यह सर्च करना है कि क्या यह टॉपिक आपके चैनल पे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका कंटेंट गैप आपके चैनल पे है कि नहीं है, यह लॉन्ग वीडियो का टॉपिक है या शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है, यह आपको देखना है। इसके लिए आप ऑल के बगल में कंटेंट गैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर कॉन्टेंट गैप में क्या है, जो पहला आपको दिखाई दे रहा है हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब वीडियो व्यूज ऑन टू ग्रो, अब यह जो टॉपिक है यह लॉन्ग वीडियो के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर कॉन्टेंट गैप फॉर शॉर्ट, मतलब कि इसके ऊपर अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तब आपका वीडियो चलेगा, लॉन्ग बनाएंगे तो नहीं चलेगा। लॉन्ग कौन सा चलेगा, टू नंबर पे आप देख सकते हैं, दो नंबर पे देख सकते हैं हाउ टू सी योर सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब मोबाइल, इसके ऊपर अगर आप वीडियो बनाएंगे तब ये चलेगा, ये लॉन्ग टॉपिक है। इसी तरह से तीसरा भी आप देख सकते हैं, इसका हाई वैल्यू मतलब सर्च भी ज्यादा है, कॉन्टेंट गैप मतलब कि आपने इस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो नहीं बनाया है, आपके चैनल पर ये गैप है, तो इस वीडियो को बनाकर आपको गैप को फिल करना है, इसी को कॉन्टेंट गैप कहते हैं। जैसे बहुत सारा वीडियो बनाया होगा आपने लेकिन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया तो ये कंटेंट गैप हो गया, मतलब कंटेंट बहुत सारा लेकिन इस कंटेंट का गैप है, इस टॉपिक के ऊपर जब आप कंटेंट बनाएंगे तो वो गैप फिल हो जाएगा, तो इसी को कंटेंट गैप कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग वीडियो के लिए, कौन सा शॉर्ट वीडियो के लिए, कौन सा जो सर्च है वो हाई वॉल्यूम का सर्च है, कौन सा लो वॉल्यूम का सर्च है, और कौन सा आपको मीडियम वॉल्यूम का सर्च है। यहां पर अभी जो आप डेटा देख रहे थे ये सारा का सारा डेटा आपको यूट्यूब दिखा रहा था, यूट्यूब ने जो आपको टॉप सर्च दिया था उसके ऊपर अभी तक आप रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अगर आप अपने मन से किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि YouTube ने यहां पर जो सारा टॉप सर्च दे रखा है, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूं, तो इसी तरीके से आप उस टॉपिक पर भी रिसर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं, फेसबुक अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर आप अपने टॉपिक को डालकर उसके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं कि फेसबुक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपके चैनल पर वो वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, वायरल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए यहां पर आप देखेंगे एक्सप्लोर टॉपिक के नीचे
आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं आप अपने टॉपिक को लिखिए। जैसे मेरा टॉपिक है फेसबुक अर्निंग से रिलेटेड, मैं वीडियो बनाने वाला हूं तो फेसबुक अर्निंग मैंने लिखा। अब लिखने के बाद यहां पर आप देखेंगे ऑडियंस एक्टिविटी, जो ऑडियंस का रीच है, जो पसंद है, यहां पर आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं, मतलब आधा से थोड़ा सा कम है। मतलब कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा चांस है कि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आएगा, मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यूट्यूब ने खुद पहले बता दिया कि आपका जो ऑडियंस है वो फेसबुक से रिलेटेड नहीं है, फेसबुक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखना चाहता है, और अगर आप फेसबुक अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो नहीं चलेगा। तो यहां पर मुझे पहले ही पता चलेगा कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे ऑडियंस नहीं देखेंगे, मेरे चैनल पे नहीं चलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक दूसरा टॉपिक सोचा है, मान लीजिए मैं चाइनीज ऐप से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं चाइनीज ऐप लिखकर सर्च करूंगा और पहले ही मुझे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर आप चाइनीज ऐप से रिलेटेड जो ऑडियंस एक्टिविटी है आप देख सकते मैनी है, मतलब कि फुल है, इसका ग्राफ फुल है, मतलब कि मेरे ऑडियंस के बीच में चाइनीज ऐप को लेकर इंटरेस्टेड ज्यादा है। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा चलेगा, ज्यादा चांस है कि मेरा वीडियो वायरल होगा और ज्यादा से ज्यादा व्यू जाएगा। तो यहां पर आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं यहां पर आप उसका सर्च रिसर्च करके देख सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, वीडियो पे व्यूज आएगा कि नहीं आएगा, यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे रेकमेंड करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर यूट्यूब आपको खुद पहले ही बता देता है कि भैया इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आपके ऑडियंस पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। आपको पहले ही ये डेटा मिल जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा, तो आपको फालतू टॉपिक के ऊपर वीडियो भी नहीं बनाना पड़ेगा और आप उसी टॉपिक के ऊपर काम करेंगे जिस पर ज्यादा से ज्यादा चांस है कि वीडियो पर व्यू जाएगा। और ये जो रिसर्च वाला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, काम नहीं करते हैं, बस तो फालतू की चीजों को यूज करेंगे लेकिन काम का चीज काम में नहीं लेंगे। तो जब भी आप वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको 1 से 2 मिनट का समय निकालना है, आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड सर्च रिसर्च करना है, कंटेंट गैप चेक करना है और उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर क्या क्या चीजें सर्च हो रहा है आपको ये चेक करना है, फिर आपको वीडियो बनाना है। आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर ही मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करना फ्री है, कमेंट करके जाइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।